बबल्स हिंदी। वृक्षासन। दाई एड़ी को हाथों की मदद से बाई जांघ ऊपरी हिस्से पर जोड़ दें। अब अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ दें। इस अवस्था में कुछ सेकंड शरीर का संतुलन बनाए रखें। अब हाथ नीचे लाएं और पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। इस आसन के फायदे: पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, छोटे बच्चों में कद बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है, शरीर का संतुलन बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, घुटनों में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। हाई बीपी वाले ये आसन न करें। बद्ध पद्मासन। इस आसन को करने के लिए पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे लाकर अपने बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। इसी प्रक्रिया को दाएं हाथ से भी दोहराएं। अब आप बद्ध पद्मासन की मुद्रा में हैं। इस अवस्था में कुछ समय तक रहिए, फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाइए। इस आसन के फायदे: ये आसन आपके नितंबों और घुटनों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है, आपके हाथ पीठ कंधों को मजबूत बनाता है, रक्त संचार तेज होता है, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट वाले इस आसन को न करें। कंधों में चोट, हाथ की हड्डी में चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। भद्रासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैर सामने रखें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ लें। हाथों को घुटनों पर रखें और उंगलियों से जमीन को स्पर्श करें। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पैरों को मजबूत बनाता है, घुटनों में दर्द हो तो ये आसन न करें, कमर में चोट या गंभीर दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। प्रथम अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ लें, अपनी हथेलियों से जमीन को स्पर्श करें। अब अपने शरीर के निचले हिस्से को
धीरे से ऊपर उठाएं। अब आपके शरीर का भार आपके कंधों, पैरों और हाथों पर होगा। इस आसन में आप 1 मिनट तक रहिए, फिर धीरे से पूर्व स्थिति में लौट आएं। पीठ को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया ठीक करने में सहायता करता है, गर्दन और छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कमर और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। कमर में किसी भी तरह का दर्द हो तो ये आसन ना करें। गर्दन दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। पिरामिड पोज। अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। हाथों को अपनी पीठ के पीछे नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़े और शरीर को जमीन की तरफ झुकाएं। अब आपका सर आपके दाहिने घुटने के सामने होगा। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने सिर को उठाते हुए ऊपर आ सकते हैं। ये सारे स्टेप बाईं ओर से भी कीजिए। पिरामिड पोज के फायदे। पैरों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी, नितंबों और कलाइयों में खिंचाव लाता है, पाचन क्रिया में सुधार लाता है, दिमाग को शांत करता है। हाई बीपी और कमर दर्द से पीड़ित ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। हाथों में चोट है तो इस आसन से दूर रहिए। ससंगासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब नीचे झुककर अपना सिर जमीन पर टेक दें। अब अपने हाथों से अपने पांव की एड़ियां पकड़ लें।
इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट और कमर की चर्बी कम होती है। घुटनों में दर्द हो तो ये आसन न करें। सर दर्द या पेट दर्द हो तो ये आसन न करें। सिंहासन। ये आसन करते समय आप जमीन पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को एक एक करके घुटने में मोड़ कर पीछे लेकर पंजों को आपस में मिला लें। अपनी दाईं और बाईं एड़ियों को ऊपर की ओर मोड़ लें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालिए और नाक से सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए गले से आवाज निकालिए। तनाव कम करने में मदद करता है। चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। आवाज मधुर बनाता है। घुटने में दर्द है तो ये आसन ना करें। गले में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। उत्कटासन, चेयर पोज। अपने दोनों हाथ सामने लेकर फैलाएं। अब घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, जैसे कि आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस आसन में कुछ सेकंड तक रहें और अपनी पूर्व अवस्था में लौट आइए। इस आसन के फायदे। ये आसन आपका शारीरिक संतुलन बढ़ाता है। आपके जांघों को और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। कमर को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। घुटनों के दर्द से परेशान इस आसन को ना करें। कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। उत्थित पद्मासन। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब सांस लेते हुए हाथों के बल पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठाइए। इस आसन से हाथों में बल आता है।
पेट की चर्बी दूर हो जाती है, कंधे मजबूत हो जाते हैं। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों को लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। हाथों में दर्द हो तो ये आसन ना करें। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। ये आसन करते समय संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वज्रासन। जमीन पर बैठकर अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाएं नितंब के नीचे रखें और बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों की दोनों एड़ियों के बीच अंतर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपने दोनों हाथ सामने लाकर हथेलियां घुटने पर रखें। इस आसन में कुछ समय बैठकर आप पूर्व स्थिति में लौट आइए। ये एक ऐसा आसन है जिसे हम नाश्ता या भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन जांघों की चर्बी घटाने में मदद करता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने में मदद करता है। भोजन के बाद वज्रासन करने से खाने का पाचन अच्छा होता है। घुटनों की समस्या वाले इस आसन को न करें। जिनके एड़ियों में दर्द हो वो भी इसे ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। वीरभद्रासन। दोनों पैरों में 2 या 3 फीट का अंतर रखें। बायां पैर घुटने से मोड़ लें। दाहिना पैर पीछे की तरफ खींच लें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। इस आसन में कुछ सेकंड रहकर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में लौट आए। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराइए। वीरभद्रासन के फायदे। कंधे पेट फेफड़ों में खिंचाव लाता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जांघों में खिंचाव लाकर पैरों को मजबूत करता है। कंधे की समस्या हो तो ये आसन करते समय सावधानी बरतें। हाई बीपी की समस्या वाले वीरभद्रासन से दूर रहें। चाइल्ड पोज बालासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब नीचे झुककर अपनी कोहनियां और हथेलियां जमीन पर टेक दें। अब अपना माथा जमीन पर टेक दें। अपनी हथेलियों से पैरों के पंजे पकड़ लें। इस आसन में कुछ देर बने रहिए और धीरे से पूर्वावस्था में लौट आए। ये आसन कमर दर्द दूर करता है, नितंबों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, थकान दूर करता है, तनाव दूर करता है। घुटनों में दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं
ये आसन ना करें। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने घुटनों के बल आ जाएं। अपने बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लें। अब पीछे की ओर झुकें। अपना दाहिना हाथ ऊपर की तरफ लेकर सीधा खड़ा करें। अब धीरे से अपनी पूर्वावस्था में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएं। पाचन शक्ति बढ़ाता है, पीठ और कंधों में मजबूती लाता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन को न करें। अगर आपके पीठ में चोट या दर्द है तो इस आसन को न करें। गर्दन में दर्द या चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। बबल्स हिंदी।